पिछले एपिसोड में आपने देखा को एक विलेज और मिल गया। अपनी जो विलेजर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली। अरे इसको ना मुझे कहीं सेफ जगह पे रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे विलेज में अभी गोलम नहीं है। हॉपर तो बना ही नहीं यार। हमें आइटम्स बनाने के लिए आयरन चाहिए और आयरन फार्म बनाने के लिए वो आइटम चाहिए। क्या ही हम पैराडॉक्स में फंस चुके हैं भाई। अब आगे तो अभी ऊपर जाता हूँ सबसे पहले, इससे पहले कि मेरे को कोई चटका दे यहाँ रात में। सो हॉपर बनाने के लिए गाइज अपने को 5 आयरन इंगट लगेंगे। मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं तो मुझे 3 आयरन इंगट का कहीं से तो जुगाड़ करके लाना पड़ेगा। तो जल्दी से 3 आयरन इंगट लाता हूँ। 9 हॉपर तो मुझे लग नहीं रहा कि वैसे भी बन पाएंगे अगर घर पे आयरन मिल भी गया तो। मुझे लग रहा है गाइज उस जुड़वा विलेज में जाना पड़ेगा मेरे को। वहां से जाके थोड़ा आयरन चुरा के लाना पड़ेगा उनका। बट वहां जाके भी हार्डली मेरे को इतना मिल पाएगा कि शायद मैं एक ही हॉपर बना पाऊँ। तो 9 हॉपर तो बनाना बहुत मुश्किल है। सो फिलहाल एक ही हॉपर बना लेते हैं और जब आयरन फार्म अपना चालू हो जाएगा तो वो एक हॉपर जितना कलेक्ट करेगा आयरन उसे ले लेके बाद में मैं वहाँ हॉपर लगा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये रहा अपना डेजर्ट टेम्पल और इधर तो मुझे पता है कुछ हड्डी भी नहीं बची होगी किसी की। भाई सारा चाट लिया था इधर से यहाँ से तो हमने। और बस इस डेजर्ट टेम्पल से अपने को लेफ्ट मारना है और अपने को वो जुड़वा विलेज दिख जाना चाहिए। सो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा शायद। यहाँ से नहीं ऊपर से लेफ्ट मारना पड़ेगा थोड़ा और। देखो दिखने लग गया ये रहा टावर आगे। ये देख रहे कितने पास पास है भाई सब चीज़ें इसमें। तो भाई गड्ढे वड्ढे हैं थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। और अभी गिर जाता है इस गड्ढे में। अरे ये क्या चीज़ मिली है भाई मेरे को। इधर चेस्ट छुपा रखी है किसी ने। क्या है बेरीज पड़ी है। ये सीढ़ियाँ पड़ी है रे इसमें। आयरन एक्स पड़ी है और बेरीज पड़ी है। ये किसी काम की है क्या गाइस। पम्पकिन सीड है कोई बड़ी बात नहीं है। रेल अरे ये तो मेरे को पहली बार मिली है लगता है कुछ चीज़। हाँ देखो रेल की पटरी अनलॉक हो गई। टॉर्चेस वगैरह है ये रख लेता हूँ। टॉर्चेस पम्पकिन सीड है ये रख लेता हूँ। है क्या ये जगह भाई आसपास इधर पड़ी हुई है। एक और रेल। यार रात भी हो रही है रे। और रे भाई कुछ तो खतरनाक चीज है भाई ये रेल का प्लेटफॉर्म। ये मेट्रो स्टेशन है क्या भाई। नीचे ना गिर जाओ। अरे भाई ये क्या रखा है वाइट वाइट सा। भाई यार रात भी हो रही है रे। रात भी हो रही है गाइस। पर इधर मुझे देखना है भाई ये कुछ तो मस्त चीज है। ये रेल की पटरी लगा रखी है भाई। इधर भी खड्डा वड्डा हो रखा है। अरे बहन की टकी ये क्या है। देखो 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 भाई 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 भाई। अरे भाई ये तो स्पॉनर है भाई। भाई थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं। यहाँ नहीं आ रहा भाई। अभी मेरे को जाना है भाई जल्दी से। अपना जो मेन काम है वो करना है भाई। मेरे को नहीं मरना अभी। पहले ना जल्दी से ओए डर गया भाई स्नूप को देख के। हट मैं यहाँ से। जल्दी मेरे को सोने दे। पहले सो जाता हूँ। दिन में जाएंगे। रात में ऐसी जगह जाना इन लोगों से पंगा लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। दिन में इनसे पंगा लेंगे। मुझे किसी की तो आवाज़ आ रही है बाहर। बिल्ली है पता नहीं कौन है। जाइए तू बाहर जा करीब। ओए भाई 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 डर लग रहा है भाई। इस समय मैं थोड़ा सा जो है डर की उसमें आ चुका हूँ माहौल में। पता चल रहा है कोई क्रीपर वीपर आ गया चटक गया मैं। क्योंकि भाई जो मैंने वहाँ पे वो ऐसी सुनसान जगह स्पॉनर देखा है ना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई स्पॉनर हो सकता है। बट ये है क्या इसमें से कुछ स्पॉन तो नहीं हुआ। पिछली बार मैं स्पॉनर के पास गया था इतनी पास में कुछ स्पॉन हो गया था। ये देख इसकी इसकी रखवाली के लिए चेस्ट के पास ही है ये। बट ये तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। पास जाऊँगे और अब टॉर्च कहाँ गई मेरी टॉर्च। पैस क्या अब हो साले स्पॉन रास्ता बनाओ भाई। ख़राब पड़ा गया ये स्पॉनर। इसमें जंग लग रहा है जाले वाले लग रहे हैं इसमें भाई। टॉर्च टॉर्च तेरी माँ की आंख ले साले। इसमें है तो सही भाई। इसकी मकड़ी का स्पॉनर है। ओ भाई जिस चीज का स्पॉनर वो चीज उसके अंदर। पर इसमें जंग लगा हुआ है ये बेकार पड़ा हुआ था शायद। या तो मैंने टॉर्च लगा दी जल्दी इसलिए स्पॉन नहीं हो रही। तोड़ के देखो क्या टॉर्च। तोड़ के तो देख सकता है टॉर्च। ये वाली टॉर्च तोड़ता हूँ। पहले उठा लूँ अपनी टॉर्च। अरे आना टॉर्च जल्दी से। अब मैं टॉर्च तोड़ूंगा ठीक है। अगर इधर कुछ स्पॉन हो गया मैं भागूंगा वापस आऊंगा और बाद में टॉर्च लगाऊंगा। है नूब स्पॉनर कुछ स्पॉन नहीं होता इसमें भाई। टॉर्च लगा दो भाई फिर भी मेरे को डर लग रहा है। नूब स्पॉनर। अच्छा वो छोड़ो नीचे की चीज़ देखते हैं। इसमें नीचे जाऊं क्या। ये कुछ खड्डा वड्डा ट्रैप तो नहीं है। सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ का इंतजाम करके रखता हूँ मैं। तलवार रखो भाई अपने पास। जय माता दी लेट्स गो। उसकी भैंस की पूँछ साले मार दूँ। उर नहीं भाई भाई भूल भुलैया है भाई। ये तो बंद है इधर की साइड से। तो बंद है इधर की साइड से भी बंद है। इधर की साइड से खुला हुआ है बट ये इधर की साइड से। अरे अरे भाई अरे तो बहुत बड़ी भूल भुलैया है। और
अबे भाई मैं नहीं जा रहा भाई इसके अंदर, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। चल 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 नूब, चढ़ जा ऊपर भाई, मैं नहीं जा। अरे भाई भाई डर लग रहा भाई, डर के वजह से नर्वस हो रहा हूँ मैं, इधर उधर हाथ कांप रहे भाई। मैं नहीं जा रहा भाई अंदर, अंदर बहुत खतरनाक है भाई साहब, मुझे दिख गया गाइस। इसमें कभी और चलेंगे, नहीं जा रहा आज, आज तो बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं यहाँ से। अपना मेन जो काम है वो करते हैं, इधर आयरन गोलम को ढूंढते हैं, उससे थोड़ा सा आयरन उधार ले लेते हैं। अबे सब जगह के ना आयरन गोलम मुझे लग रहा है मैंने पहले ही मार दिए, यहाँ पर भी आयरन गोलम नहीं दिख रहा मेरे को। सामने वाले देखते हैं जुड़वा विलेज में, आई थिंक यहाँ का भी आयरन गोलम स्पॉन होना बंद हो गया है मेरे विलेज की जगह। ये तो कुछ तो चल रहा है रे गाइस, ग्लिच विलेज पता नहीं क्या है भाई, आयरन गोलम स्पॉन ही नहीं हो रहे, ना इधर स्पॉन हो रहा ना मेरे विलेज का स्पॉन हो रहा। इनको जॉम्बी लाके डराना पड़ेगा पहले मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, तभी ये लोग बुलाएंगे गोलम को। अभी रात हो चुकी है, अभी जॉम्बी जब इनको डराएंगे ना नूब विलेजर्स को, तभी ये लोग गोलम को बुलाएंगे। पहले इन सबको ना नींद से उठाना पड़ेगा। ये चल बे चल, अबे मार नहीं रहा था भाई मैं, गलती से लग गया, मैं तेरे को बस बेड से उठा रहा था। मेरे को मत ना बोली गोलम को मारने के लिए। हाँ इसका भी बेड तोड़ दिया, सबके बेड तोड़ दिए मैंने। अभी ये लोग बाहर भटकेंगे, जॉम्बी आएगा और गोलम को स्पॉन करवाएंगे ये लोग। आओ भाई जल्दी, जॉम्बी नहीं आ भाई, जॉम्बी नहीं आ रहे भाई विलेजर को डराने के लिए, क्या झंझट है। अरे भाई भूख लग रही है भाई, एक बेरी खानी पड़ेगी लगता है। 20 minutes later. चलो गाइज इतना आयरन तो मेरे को मिल गया, तीन गोलम शहीद करने के बाद मेरे को 17 आयरन हो गया, इतना आयरन बहुत है। अब इतने आयरन से दो तीन हॉपर तो आराम से बन जाएंगे। सो वापस चलते हैं अपने विलेज, जल्दी से सामान खाली करते हैं भाई। पहले तीन हॉपर मेरे बन चुके हैं, चेस्ट की कमी पड़ गई, एक चेस्ट तोड़ के लानी पड़ेगी कहीं से। चलते हैं अब वापस, बोट कहाँ गई मेरी। चलो सारा ज़रूरी सामान ले लिया है मैंने, चलते हैं नीचे। सो ये हो चुका है यहाँ से रेडी। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ऐसा सेटअप बनाना है कि जब गोलम स्पॉन हो तो पानी के बहाव से वो इधर बीच में इन गड्ढों में गिर जाए, ये इधर इतने बड़े गड्ढे पे, और इधर नीचे गिरते ही ना इधर यहाँ लावा लगाता हूँ ताकि वो लावा से उसको डैमेज आए, वो मर जाए, और नीचे जो भी आयरन ड्रॉप होगा वो हॉपर से कलेक्ट होकर इधर चेस्ट में मुझे मिल जाए और मैं यहाँ इधर सेफ रहूँ। सो एक चेस्ट लगानी है इधर और एक चेस्ट इसके साइड में, और अभी इनके पीछे तीन हॉपर लगा देता हूँ, इधर दो और ये तीसरा, परफेक्ट। अभी इधर गिरेंगे, अभी मेरे को लगाने हैं इधर साइन बोर्ड जिससे कि वो लावा नीचे की साइड ना आए। सो यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ, पहला। सो हो चुका है मस्त अपना सेटअप, और बस अभी मुझे ना यहाँ पर लावा डालना है, और ये मुझे बहुत तमीज़ में डालना पड़ेगा भाई, मैं अपने ऊपर ना गिरा लूँ लावा और पता चला इधर भस्म हो गया सारा, भाई राख भी नहीं बचेगी फिर तो। इधर बहुत तमीज़ में डालना पड़ेगा मेरे को, देख के एक टेम्परेरी ब्लॉक्स यूज़ कर लेता हूँ भाई मैं। सो ऑलराइट अब मैं लावा गिराने वाला हूँ गाइस, अगर इधर भाई लावा बह गया मैं भाई चटक लूँगा इधर से। प्लान परफेक्ट चल रहा है क्या? ये क्या प्लान है भाई अपना, देख रहे हो परफेक्ट एकदम, बच गए भाई, कोई सीन नहीं। अब ये टेम्परेरी ब्लॉक्स यहाँ से हटा देता हूँ, इनकी जगह पे मुझे हॉपर लगाना है बाद में। सो ट्रैप अपना पूरा सेट हो चुका है, इधर से सामान जो है अपना इधर कलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिलहाल मैं यहाँ से खुद उठा लूंगा, अभी मेरे पास इधर थोड़े से हॉपर्स की कमी पड़ चुकी है। सो अब इस फार्म को चालू करने के लिए हमें लाने पड़ेंगे विलेजर्स, और उन विलेजर्स को देना पड़ेगा बेड जिससे कि वो सो सके वहाँ पे, और वहाँ पर उनके पास एक जॉम्बी लाना पड़ेगा ताकि वो लोग उस जॉम्बी से डरे, और उसके बाद फिर वो लोग डर के गोलम को बुलाएंगे, गोलम इधर आएगा पानी में गिरेगा, पानी में गिरने के बाद मेरे ट्रैप में गिरेगा इधर, और अपना आयरन मेरे को देता रहेगा। सो इस फार्म को बनाने के लिए गाइस जो मेरे को आयरन कलेक्ट करना पड़ा है ना हॉपर्स के लिए, वो भी उतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि वो तो फिर भी मेरे को उधर से जाके मिल जाएगा उन गोलम को मार के। सबसे मुश्किल मेरे लिए ये है कि अब उन विलेजर्स को यहाँ तक लाना, वो भाई मेरा उसमें बहुत टाइम जाने वाला आई नो, बट उससे पहले ना इसको बंद कर देता हूँ, इधर एक ट्रैप डोर लगा देता हूँ, परफेक्ट है ना। और अभी जो है विलेजर्स के रहने की जगह का इंतजाम करते थे जिधर वो आके रहेंगे, सो उनके लिए इधर बेड वेड लगाने का जुगाड़ करता हूँ। पहले ना इधर फार्म से तीन ब्लॉक डायगनली मूव करता हूँ मैं, एक दो और ये थ्री, 1 2 3। सो ये वाला ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक से एक दो और तीन। सो अभी मुझे वापस से इधर नीचे खोदना पड़ेगा, आई थिंक 6 ब्लॉक से काम चल जाएगा, ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है मेरे को। और अभी मेरा फार्म जो है इधर की साइड है, तो फार्म से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अब उनके रहने की जगह बना लेता हूँ मैं जल्दी से। अभी मुझे बेड प्लेस करना है इधर, इधर तीन लोगों के रहने की जगह बनानी है मुझे, वो जगह परफेक्ट तीन लोगों के रहने की जगह बन चुकी है। अभी यहाँ से ये लोग भागे ना इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा स्लैब व्लैब लगाने पड़ेंगे, और दूसरा वाला इधर। अभी एक ट्रैप डोर लगाता हूँ यहाँ पर, नहीं नहीं दो लग गए गलती से, नीचे वाला तोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है,
ठीक है, अभी यहाँ से निकलने का एक रूम बनाता हूँ, एक और रूम बनाना है मेरे को यहाँ पे। थोड़े से जो है टॉर्चेस लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि भाई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। ये हो गया काम। अभी क्या करना है, यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट है। एक बोट अगर मेरे पास है तो नाइस, बोट भी लाया हूँ मैं। एक यहाँ पे बोट लगा देते हैं। सो बोट से क्या होगा गाइज कि इधर तो मेरे विलेजर्स जो हैं वो यहाँ पे आराम से सोने वाले हैं, इधर मैं बोट में ट्रैप करके रखूंगा जोम्बी को। अब ये करना इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ पे बोट नहीं रखूंगा, उसे डायरेक्ट ऐसे ले आऊंगा, तो वो कुछ टाइम बाद यहाँ से डिस्पॉन हो जाएगा। सो ऐसा ना हो, ताकि वो वापस से डिस्पॉन ना हो, उसके लिए मुझे उस पर नेम टैग वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा। नेम टैग मेरे पास नहीं है, सो मैं फिलहाल बोट लगा के ही काम चलाने वाला हूँ। लग चुकी है बोट, नाइस। अब यहाँ से एक सीढ़ी बनानी है मेरे को। ओह, जाने की जगह ही नहीं है मेरे। अब यहाँ से पूरा ऐसे मेरे को सीढ़ी खोदनी है, ताकि मैं ऊपर निकल सकूँ। ओ भाई देख रहे हो, बिल्कुल अपने जो आयरन फार्म की जगह डिसाइड करी थी उसकी बाउंड्री पे आया है ये। चलो बढ़िया है, सीढ़ी बन चुकी है अपनी, परफेक्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, टॉर्चेस भी लगा दिया मैंने। इधर एक ट्रैप डोर लगा देता हूँ और एक इधर। अभी ठीक है, अभी तो यहाँ से अपना ज़ॉम्बी जो है अंदर जाने वाला है, और ये जो खड्डा है इधर से हम अपने विलेजर्स को नीचे डालेंगे, और जब वो विलेजर को मैं नीचे गिरा दूंगा, उसको मैं बंद कर दूंगा, और फिर इधर से जॉम्बी को अंदर भेजने के बाद यहाँ से ट्रैप डोर बंद कर दूंगा। जॉम्बी नीचे चल के जाएगा और उधर जाके बोट में बैठ जाएगा, ठीक है। बोट में बैठने के बाद वो उधर परमानेंटली बैठा रहेगा, वो डरते रहेंगे विलेजर्स, उनके डर के खौफ से भाई इधर अपना आयरन गोलम स्पॉन होगा, पानी के बहाव से बहके वो नीचे गिरेगा, नीचे जाएगा लावा में, लावा में मेल्ट होके उधर नीचे जो उसका आयरन है वो हॉपर्स के थ्रू चेस्ट में आ जाएगा। और मेरा वो कहाँ गया रे, मेरा वाला, ये रहा मेरा जो जाने, एक तो घास हटा हो रहा है यहाँ से, मेरे जाने का रास्ता यहाँ से, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और आयरन कलेक्ट कर लूँगा, इजी सिंपल। बट इस फार्म को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये जो प्रोसेस मैंने इस कोने पे किया है, ये मुझे बाकी के 3 कोनों पे भी करना पड़ेगा, ताकि एक बारी में 4 गोलम स्पॉन हो, यानी कि 20 आयरन मिलेंगे मेरे को एक बारी में। पहले तो रात हो गई है, मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ। सो गाइज मैंने सेम सेटअप चारों तरफ कर दिया है प्रॉपर एकदम, मैंने चेक भी कर लिया है नीचे से सब कुछ ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पर ना स्लैब थोड़े से गलत लग गए थे, मैंने अभी पापा से इन्हें ठीक करके लगा दिया है। बोट वगैरह भी सेटअप है, पूरी बोट थोड़ी सी पीछे जा रही है, इसको हल्का सा पीछे कर लेता हूँ मैं ड्राइव करके। अभी ठीक है, बोट भी अपनी सेटअप है, स्लैब्स भी अपने परफेक्ट सेटअप है। बस मेरे को अब यहाँ पे विलेजर लाने और साथ ही साथ यहाँ पे जॉम्बी लाने हैं, बट विलेजर्स लाने के लिए मैं एक विलेजर देखो नीचे लेके आया हूँ। सो भाई बंदा बैठने को तैयार ही नहीं होता भाई, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एक विलेजर मैं पकड़ के लाया हूँ। अभी 2 और लाने हैं इस फार्म को चालू करने के लिए। अरे इसको यहाँ की नहीं, इसको इधर की साइड लाके खड़ा कर दो। अरे भाई गलत इंसान आ गया भाई यहाँ पे। तो ना सबसे पहले इसने, मैं दूसरे विलेजर्स को लेके आ रहा हूँ, तब तक इसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ लाइटिंग करनी पड़ेगी मुझे यार। एक ये केव हो रहा है, इसको भी बंद करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा यार, क्या टीपी मार रहा है मेरे पास, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ मैं तुझे भाई, टॉर्च ही तो लगा रहा हूँ बस। चलो एक तो आ चुका है, अब बोट लेके बाकी के 2 और लाता हूँ जल्दी से। पर एक और समस्या हो चुकी यार, ये तो ना भाई माइनक्राफ्ट समस्याओं से भर चुका है। मेरे विलेज में तो विलेजर थे ही नहीं, ठीक है। एक ये आज नया विलेज मिला, इसमें भी 3 ही विलेजर्स। अब उन तीनों को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो बाकी उस गांव में कौन बचेगा फिर विलेजर। और भाई फिर मेरे को यहाँ पर भी 3 चाहिए, इसमें भी 3 चाहिए, इसमें भी 3 विलेजर चाहिए। सो मेरे पास विलेजर की कमी हो रही है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड में मुझे एक विलेज ब्रीडर बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी के लिए ना सबसे ज़रूरी आयरन है, तो मैं तीनों के तीनों विलेजर उठा के लाता हूँ, उनको यहाँ बिठाता हूँ, आयरन फार्म चालू करता हूँ, थोड़ा सा आयरन कलेक्ट करता हूँ, फिर इन तीनों को लेके वापस इन तीनों से ब्रीड कराऊंगा, और उनका विलेज जैसा का जैसा है वैसा ही सही कर दूंगा, हरा भरा। और अपने डेजर्ट विलेज में उधर जुड़वा विलेज से कुछ ना कुछ ले आऊंगा मैं। यार मुझे टेंशन हो रही है भाई उस विलेजर की, बेचारा वो विलेजर को कोई अकेले समझ के दबोच ना ले यार उसे। ये भाई ले, इधर भी जॉम्बी आ रखे है, इसकी भी जान खतरे में है। अरे मेरी बोट, फक, बोट नीचे रह गई, बोट लगानी पड़ेगी भाई। भाई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भाई, ये वाले विलेजर की भी जान खतरे में है, और ये मेरे ख्याल से कुछ आखिरी विलेजर्स हैं मेरे पास, वरना ये भी जॉम्बी बन गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले इस जॉम्बी को छटकाना पड़ेगा। हट 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 तेरी भैंस की पूछ, तू भी साले विलेजर को तंग करेगा, तेरी बहन को नमन। ए विलेजर मैं आ रहा हूँ, तू डर मत। यार ज़ॉम्बी आए जा रहे हैं भाई, बेड भी नहीं है क्या मेरे पास, बेड खत्म हो गए यार, बेड खत्म हो गए। ए बैठ इसमें भाई, तेरी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, बैठ इसमें, टाइम मत वेस्ट कर, चल चल चल, हमें जाना होगा, निकलना होगा यहाँ से। ओ नहीं 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 और बोट नहीं गिरनी चाहिए उधर, चल 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 निकल जल्दी।
अबे ये बोट कितनी धीरे चलती है भाई जमीन पे। चल भाई, और ये देखा तुम में से किसी ने, सामने भाई आर्मी अपना इंतजार कर रही है और मुझे इसे वहां तक लेके जाना है बहुत ही सेफ्टी से। मुझे अपनी जान से ज्यादा अभी भाई विलेजर की जान की चिंता हो रही है, क्योंकि अगर ये आखिरी विलेजर भी मर गए तो भाई पूरा इधर जॉम्बी लैंड बन जाएगा यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको यहीं पानी में बिठा देता हूँ, आई होप ये सेफ रहे। ऊपर जाता हूँ जल्दी से और मैं झप्पी मार के आता हूँ एक, ताकि एटलीस्ट दिन हो जाए, ये बाकी के जॉम्बी यहाँ से भाग जाएं। ओह अच्छा सो गया। चल भाई अभी ये लोग एटलीस्ट भाग जाएंगे यहाँ से। इसको ऊपर लेके आना। अरे सीढ़ी कहाँ गई, क्या सीढ़ी बनाई थी मैंने? अच्छा ये सीढ़ी इधर बनाई है मैंने। अरे एक इधर वाटर जॉम्बी भी आ गया, ये तंग करेगा, रुको पहले इसको मार देता हूँ। यार टाइम पास है यार। अरे भाई ये तो अपनी गैंग बुला के लाया यार। नहीं यार विलेजर को भी बचाना पड़ेगा, बोट तोड़ते के साथ ही जॉम्बी इसको दबोच लेंगे। इसकी जान बहुत खतरे में है, इसको बचाना है भाई, मुझे इसके लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। अरे अबे ये क्या, अबे ये जॉम्बी भी बोट में बैठ जाता है भाई। चल अरे नहीं 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 तुझे गोल यार, ये तो आंखों का दुलारा है भाई। नहीं नहीं सॉरी भाई, गलती से लग गई, गलती से लग गई, गलती से लग गई। हाँ ठीक है ना, माफ़ कर दिया, चलो ठीक है। ये तो खुद ही जा रहा है, मेरे को बोट की ज़रूरत ही नहीं है, स्मार्ट है। चल 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 चल, हाँ बहुत बढ़िया, ऊपर चल 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 ऊपर चल चल। तेरे लिए मैंने कुछ बहुत अच्छा स्पेशल वो करके रखा है ऊपर इंतजाम तेरा। भाई मेरा विलेजर मर गया इधर, उसको जॉम्बी विलेजर बना दिया भाई किसी ने। नहीं यार ये क्या गंदी बात है यार, छी भाई। अबे अबे कहाँ जा रहा है, उधर मत जा, उधर नहीं जाना तेरे को। सो ये देखो गाइज, इसको तो मैंने जैसे तैसे धक्का मार मार के अंदर डाल दिया है, बट इसको ना फुल सेफ्टी करनी है भाई, इसको मरने नहीं देना। पिछली बार बेचारा वो यहाँ बोट में बैठा बैठा मर गया होगा भाई, तड़प तड़प के मरा होगा, भाग भी नहीं पाया होगा। इसकी पूरी सेफ्टी करनी है। इसको फिलहाल के लिए मैं इधर बंद कर देता हूँ और ये मार्कर लगा देता हूँ, ताकि मेरे को पता रहे इसके नीचे बंदा है। तो अब देखते हैं बाकी अगर कोई बचा हुआ होगा तो उसको भी लेके आते हैं इधर डालने के लिए सीधा। भाई कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे यहाँ पे। अबे छोटा सा तो इनका गांव था, तीन तो इनके कुल विलेजर थे, तीन चार, जिसमें से कि एक उधर बेचारा वो शहीद हो गया, उसकी शहीदी याद रखी जाएगी। एक को मैंने उधर बंदी बना रखा है, एक और इधर होगा यार, वो अकेले मर गया होगा क्योंकि गोलम नहीं है यार। यार बेकार सीन हो गया, इन नूब की वजह से पता है मेरा आयरन फार्म नहीं बन पाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। इतना सब हो जाने के बाद भी इन्हीं को नूब ठोल रहा है क्या भाई? मेरी क्या गलती है इसमें, यही लोग नूब है भाई, तीन लोगों का विलेज कौन बनाता है? तेरी क्या गलती है? अरे सारी गलती ही तेरी है, तूने दो हंसते खेलते विलेज को उजाड़ दिया। जरा देख अपने पास पास, तूने इस विलेज को कैसे एक शमशान में बदल दिया है। इनके बेचारे रक्षक जो गोलम इनकी रक्षा करते हैं, उन्हें आयरन के लिए मार दिया, जिस वजह से बेचारे ज़ॉम्बी के हाथों तड़प तड़प के ना जाने कैसे कैसे मर गए। इनके बैग चुरा लिए, इनका खाना पीना सब ले लिया, और इतना सब करने के बाद भी इन्हीं बिचारों पर दोष दे रहा है। क्या सच में इतना बुरा हूँ मैं? तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। यार एक भी विलेजर नहीं बचा भाई, इधर सब बर्बाद हो गया यार, सब खत्म कर दिया मैंने यार। अरे नहीं भाई यार, एक भी विलेजर नहीं बचा, ना इस वाले विलेज में ना मेरे विलेज में। बिना विलेजर के कैसा माइनक्राफ्ट यार, ये क्या कर दिया मैंने, क्या पाप हो गया मेरे से। हे जगन्नाथन, हे प्रभु देवा, ये क्या पाप हो गया मेरे से। भाई नहीं खेलना भाई मेरे को माइनक्राफ्ट, भाई नहीं खेलना भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, उठ के नहीं खेलना भाई सही में मेरे को। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलती मेरी है, इसे मैं ही सुधारूंगा, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। तुम देखो मैं इस विलेज को वापस से सही कर दूंगा। और मुझे दिख रहा है सामने मेरे कुछ इस विलेज के दुश्मन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, इनका भी ट्रीटमेंट बना दूंगा मैं। ये लोग मेरे को बहुत फॉलो करते हैं। आज भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, उन विलेज की शहीदी का जो गुस्सा है वो मैं इन नूब्स पे निकाल दूंगा, सही बता रहा हूँ। आज ये मेरे हाथों पिट जाएंगे, इन्हें बोल दो गाइस ये यहाँ से चले जाएं, बोल दो इन्हें यहाँ से चले जाएं, वरना ये पिटेंगे आज मेरे हाथों, बहुत गंदा पिटेंगे, मेरी डायमंड स्वॉर्ड के आगे ये बच नहीं पाएंगे। बोल दो इन्हें भाग जाएं यहाँ से, गलती मेरी है, मेरी वजह से ये कब्रिस्तान बना है, ये विलेज, ये खुशहाल विलेज मेरी वजह से कब्रिस्तान बना है, तो मैं ही अब इसको ठीक करूँगा। और तुम जानते हो मैं वो कैसे करूँगा। सो अगर तुम में से किसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज है तो वो समझ गया होगा, और थैंक गॉड भाई मैंने वो चीज़ करी भाई, उस वजह से ही अब मैं ये विलेज को वापस से खुशहाल बनाऊंगा, ना सिर्फ इस विलेज को बल्कि अपने विलेज को भी, बस तुम देखते रहो। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।
और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।